हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट एंड क्रिएशंस बाय सोनिया आनंद। तो इस बार मुझे अपने पिटारे में मिला ये वेफी बॉक्स, तो आइए इससे कुछ बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बॉक्स लिपन, इसे लाइट कैचर भी कह सकते हैं। बॉक्स पे काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका रैपर हटाएंगे। अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं है तो आपके पास जो भी बॉक्स अवेलेबल हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप खाली टेप रोल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ देंगे, इसके लिए हम POP का पेस्ट बना के लगाएंगे। ये पेस्ट बनाने के लिए POP, फेविकोल और पानी ऐड करेंगे। इससे किसी भी कार्डबोर्ड पे एक लेयर बन जाती है और उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। अब ये बॉक्स ड्राई हो चुका है और पेंट के लिए रेडी है। ये हम बना रहे हैं एक हैंगिंग लिपन, तो अब इसे हैंग करने के लिए इसके बॉटम पे मैं एक होल करूँगी। और इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए सेम साइज़ का न्यूज़पेपर लिया है, उसे दो बार फोल्ड करके कॉर्नर से कट कर लेंगे। वही पेपर मैं बॉक्स के अंदर रख दूंगी जिससे पेंट होल पे न चला जाए। अब इसके बेस पे पेंट करेंगे। मैं यहाँ फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी और लेंगे ब्लैक कलर। बेस का कलर सूख जाने के बाद इस पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इस पे रफ स्केचिंग कर ली है। अब इस पे डिज़ाइनिंग बनाने के लिए क्ले के पतले पतले कॉइल्स बना लेंगे। फिर बेस पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम फेविकोल लगाएंगे और इस पे कॉइल पेस्ट करते जाएंगे। क्ले के सूखने से पहले इसको सही से सेट कर लेंगे। इस क्ले को मैंने घर पे बनाया है। इसे बनाने के प्रोसीजर को जानने के लिए आप मेरा क्ले मेकिंग वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। कॉइल्स पे डिज़ाइनिंग के लिए मैंने फेविकोल की बॉटल और खाली पेन लिया है। और ये हो गया है हमारा क्लेवर्क डन। अब जहाँ जहाँ क्लेवर्क किया है वहाँ मैं गोल्डन पेंट करूँगी। यहाँ मैं पेंट बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ। ये हमारा एक बेसिक लेआउट रेडी हो गया है। अब हम इस पे मिरर वर्क करेंगे। राउंडेड सरफेस पे मिरर वर्क करने में थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। इस पे हम बड़े मिरर्स नहीं लगा सकते क्योंकि राउंडेड सरफेस की वजह से मिरर के एजेस बाहर आ जाते हैं। मिरर के एजेस शार्प होते हैं, अगर वो गलती से टच हो गया तो चुभ जाएगा। मिरर वर्क ऑलमोस्ट हो गया है, इसके बाद हम इसमें फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के लिए इसमें थोड़े कलरफुल डॉट्स ऐड करेंगे। इसके लिए हम अलग अलग कलर मिक्स करके कुछ पेस्टल कलर्स बनाएंगे। पर्पल में मैं यहाँ बाद में वाइट कलर मिक्स करूँगी। अब हम किसी भी बारीक चीज़ से डॉट्स बनाएंगे, जैसे टूथपिक या कोई छोटा ब्रश। बहुत बारीक डॉट्स बनाने के लिए मैं ये आईलाइनर ब्रश यूज़ करती हूँ। मेरा आईलाइनर ख़त्म हो गया था तो मैंने ये ब्रश फेंका नहीं। यहाँ मिरर के अराउंड डॉट्स हो गए हैं, अब मैं क्ले के अराउंड डॉट्स लगाऊंगी। डॉट वर्क करने से लुक एकदम एनहेंस हो जाती है। ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है, अब हम इसे हैंग करने का देख लेते हैं। इसे हैंग करने के लिए हमने स्टार्टिंग में होल कर लिया था। अगर हम डिज़ाइनिंग के बाद होल करेंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। होल से थ्रेड को पास करने के लिए पहले एज पे हम टेप लगा लेंगे। मैंने यहाँ मास्किंग टेप यूज़ की है। मिरर को बचा के एक बार डिज़ाइनिंग पे वार्निश कोट ज़रूर कर लें, पेंट सिक्योर हो जाएगा। और ये हमारा हैंगिंग लिपन, या आप इसे लाइट कैचर भी कह सकते हैं, रेडी है।
जब मिरर पे लाइट पड़ती है तो सराउंडिंग में बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन आती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि हर कमेंट का आंसर करूँ। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर आप करने वाले हैं तो एडवांस में थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। Hit the bell icon for getting notifications of upcoming videos. Thanks for watching. Subscribe for more videos.